हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैंकॉक अनदर वीडियो। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई मैं हूँ अपने होटल में राइट नाउ। मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, मैं निकल रहा हूँ अपने होटल से सोई काउबॉय। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर वन नाइट स्टे था, मैंने वन नाइट स्टे लेने के बाद में अब मैं सोच रहा हूँ सोई काउबॉय के आसपास कोई होटल बुक कर लूँ, बिकॉज क्योंकि नाइट लाइफ जब आपको दिखाऊंगा तो मुझे लेट हो जाएगा, तो वहाँ से ट्रैवल करना उतना सेफ नहीं है, तो वहीं पर कहीं मैं स्टे कर लूँगा। जिस होटल में रुका था ये है खाउसर रोड पर रामभूत्री हाउस, रामभूत्री विलेज है, विलेज के सामने एक स्ट्रीट आ रही है उसके अंदर रामभूत्री हाउस है। यहाँ बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे रशियन लोग मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर रशियन लोग ज़्यादा मुझे रात को दिखे जब मैं मार्केट एक्सप्लोर कर रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे होटल का बाहर का व्यू कैसा है। बेसिकली सारा होटल एरिया है, आप देख भी पा रहे हो वीडियो में। तो मिलता हूँ आपसे सीधा सोई काउबॉय, अगर हो सका बीच में छोटा क्लिप दिखाता रहूंगा, बीच में इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा कैसे मैं सोई काउबॉय गया यहाँ से। गाइस, इस होटल मैंने 500 सिक्योरिटी दी थी, 500 सिक्योरिटी दी थी मैंने होटल को, होटल लेने से पहले मुझे रिटर्न कर दिया इन्होंने, मतलब बड़े अच्छे हैं यहाँ पे होटल वाले, एक बार में रिटर्न कर दिया। अभी मैं पूछता हूँ यहाँ से और जगह मुझे कैसे कैसे जाना है, तो देखता हूँ क्या क्या रास्ते कैसे कैसे पता चलता है। And I want to go Sam Yacht Station. Yes. Same. 40 baht. No. Sam Yacht over there. 80 baht. 80 baht. Yeah. Okay. But do look here first. Okay. There is any metro nearby MRT? I show you the first for you can check in commission. In commission. Yeah. I wait for you after the Sam Yacht. Or to get the 100 baht for you. Okay. Yeah. Okay. Go. यार मैं निकल चुका हूँ, मैंने टुक टुक वाले से पूछा कि मुझे सोई काउबॉय जाने के लिए मेट्रो लेनी MRT, तो वो मुझे लेके जा रहा था उनके पास में जो एजेंट्स होते हैं जो टिकट विकट बुक करते हैं, ट्रेन बसेस की टिकट बुक करते हैं, वो अपने कमीशन भी चार्ज करते हैं मेरे से। तो अब तो फाइनली यहाँ से निकल गया। रात को जब मैं यहाँ पे वॉक कर रहा था, घूम रहा था, तो मैंने एक देखा था इंडियन रेस्टोरेंट, देखता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट अगर मेरी याददाश्त ठीक है, मैंने ठीक देखा है तो वो इंडियन रेस्टोरेंट ये था। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, पहले ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही सारा कुछ मैं सर्च करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और फिर मैं अपने हिसाब से ही चलता हूँ, क्योंकि अगर पूछा और ये मुझे कहीं गलत जगह ले गए तो वहाँ मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा एजेंट के लिए, क्यों पढ़ना जब आप गूगल से सब कुछ सर्च कर सकते हो। देखते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, शायद मैंने देखा था यहाँ पर, अगर दिखता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पूछता हूँ, एक्सक्यूज मी, देयर इज एनी इंडियन रेस्टोरेंट? There is any Indian restaurant? Internet. Indian restaurant. Indian hotel. Indian. Yes. Here. Yes. Thank you. मतलब मैंने सही पहचाना था, मैंने सही देखा था, वो यहाँ पे है कोई इंडियन रेस्टोरेंट, रात को मैं देख के तो गया था। यहाँ पे भाई एक सरदार जी की दुकान भी है, सरदार जी ने कोट पैंट की दुकान खोल रखी है यहाँ पर, इंडियंस भी यहाँ पर काम स्टार्ट कर रखे हैं, इंडियंस ने ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ बात करी है जिनका रेस्टोरेंट है वो इंडियन ही है और दिल्ली से है वो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आया था कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने, कोई काम स्टार्ट करने, तो मैंने एक्सप्लोर बहुत सारी चीज़ की, तो मैं आपको आज बताने वाला था कि बेसिकली मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। तो पर्पस मेरा ये था यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना, बट अंकल बताते हैं यहाँ पर भी राइट वे नहीं, राइट टाइम नहीं है स्टार्ट करने के लिए, और कोई बेनिफिट नहीं यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, पैसे वेस्ट है अभी यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, और जितना हो सकता है उतना सर्च करते हैं, उसके बाद तो फिर दिल्ली मिलते ही है। देखो आलू का पराठा, दही और ये चाय है, और दो दिन बाद इंडियन फूड इतना अच्छा देखा खाने के लिए, मैं खाता हूँ, इसके अंदर तरफ से बात करता हूँ। ज़बरदस्त मज़ा आ गया खाने के बाद में, आलू का पराठा और चाय बिल्कुल इंडियन स्टाइल में उन्होंने खाने के लिए दिया मुझको। आप देख सकते हैं ये रोड है खाउसान रोड, खाउसान रोड पे आप वॉक करके आओगे
तो आपको यहाँ देखते हैं इंडियन फूड मेंशन है, यहाँ पे आप आके इंडियन फूड खा सकते हो। मुझे खा के तो अच्छा लगा, अब मुझे लग रहा है मेरा पेट भर चुका है। अब फाइनली मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और देखता हूँ कैसे क्या प्रोसीजर है जाने का। थोड़ा वॉक करता हूँ, थोड़ा ढूंढता हूँ, उसके बाद में चलते हैं फिर। अब मैंने कैब ले ली है, कैब मुझे मिली है 150 बात की, सेम वही इंडियन रेस्टोरेंट के पास से मैंने कैब बुक करी है, सोई काबा। तो सोई काबा जाने के बाद में आप मैं सर्च करूँगा कुछ होटल आसपास, होटल बुक करके सामान वान रख के जब वहाँ पे स्टार्ट होगी नाइट, पूरी पार्टी वार्टी का एरिया जब स्टार्ट होगा, जब वहाँ से मैं निकल जाऊँगा, नाइट लाइफ जो भी है उनका, एडल्ट लाइफ जो भी है, तो रात को मैं निकलूँगा वहाँ पे बाहर। जितना होगा उतना आपको वहाँ विजिबल होगा, जितना दिखा सकते हैं, जितना पॉसिबल है कैमरा लेके जाना उतना मैं आपको दिखाऊँगा। तो बाकी तो अभी मिलते हैं। How much? 20. 20 baht? Yes. Can you give me? Okay, no. Okay, no. Okay. Yes. Watermelon. Pineapple. जब मैंने फ्रूट चाट लिए, मतलब बेसिकली दो फ्रूट्स लिए, एक पाइनएप्पल और एक वाटरमेलन, जो मुझे उन्होंने दिया 20 बात का, टोटल 40 बात मैंने दिया है। फूड खाने से बढ़िया तो ये है कि थोड़ा सा फ्रूट्स खा ले, कोई फूड वूड मिल नहीं रहा इतना अच्छा, फूड हेल्दी है, फ्रूट्स ले लिए इसलिए फिर मैंने। बाकी अभी होटल सर्च करो, होटल मिलते ही आपको बताता हूँ। गाइस मैं निकल चुका हूँ अपने होटल के लिए, मैंने गूगल पर सर्च किया, मुझे होटल है यहाँ से 6 मिनट की दूरी पे और 2 किलोमीटर होटल है मेरा, तो जाता हूँ अभी होटल को बुक करता हूँ, उसके बाद में से यहाँ पे मैं आऊँगा, पहले होटल बुक कर लेता हूँ। होटल गूगल के अकॉर्डिंग दिखा रहा है 650 बात, अराउंड 1300-1400 रुपये का होटल है। तो चलते हैं होटल, देखते कितने का होटल मिलता है और कैसा यहाँ का होटल है। बुक करने टाइम पर आपको दिखाऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसने मेरे से मांगे और कितना मैंने उसको पे किया, कितना सिक्योरिटी अमाउंट और कैसा होटल है। जस्ट पीछे ही आप देख सकते हैं जो ये है बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ ऊपर, ये बोर्ड के जस्ट बैक साइड में है सोई काउबॉय स्ट्रीट, जहाँ पे हम रात को आएंगे। अभी फाइनली बैग वगैरह रख के थोड़ा फ्रेश व्रेश रहें, नहा लें, उसके बाद में फिर यहाँ पर आएँगे। जैसे देख पा रहे गाइस, मैं सोई खाओ बहुत से आ रहा था रास्ते में, तो मुझे एक ये प्लेस दिखा, ये एक तरह से देखा जाए झील टाइप ही है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट हाँ यहाँ आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये सारा साइकिलिंग वॉकिंग एथलेटिक जैसे होते, रनिंग के लिए साइकिलिंग करने के लिए बना रखा है, रोड टाइप अच्छा है ये रनिंग के लिए, ये बना रखा है पूरा इधर और ये है पूरा पीछे। मैं रस्ते से जा ही रहा था तो मैं आपको ये दिखा दूँ, एक छोटा सा है यहाँ पे, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे ना आप स्विमिंग कर सकते हैं, ना फिशिंग कर सकते हैं, ना कबूतरों को या फिर किसी भी बर्ड्स को खाना दे सकते हो, डॉग लाना अंदर मना है, गाड़ी लाना अंदर मना है, साइकिल आएंगी सिर्फ अंदर, बाइक आएंगी, बाकी गाड़ी लाना मना है, कबूतरों को खाना देना मना है और गेम्स वेम्स खेलना सब मना है यहाँ पे, साथ सब मेंशन है, फिशिंग करना मना है, स्विमिंग करना मना है। तो बस ये था एक बीच में छोटा सा जो मैंने सोचा आपको कवर करवा दूं, बस अब बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ। होटल तो मिल चुका है मुझे, होटल मैं अपना होटल बुक कर चुका हूँ यार, ये मेरा होटल है, मुझको इन्होंने होटल दिया ये, ठीक है मैं दिखाता हूँ कैसा होटल है ये। ये यहाँ एक कर्टन है आपकी प्राइवेसी के लिए, एक ये डबल बेड है, सिंगल बेड है, इधर देखो फ्रिज, टीवी, टेबल, चेयर, कपड़े रखने के लिए हैंगर। तो इन्होंने मुझको बोला कि आप इसमें से कोई भी एक बेड चूज़ करके यूज़ कर लो, तो फिर मैंने डबल बेड ही ले लिया, आराम से सो पाऊँगा, अच्छा है वैसे बना हुआ। इधर भी पीछे एक छोटा टेबल और 2 कुर्सी है, इधर वॉश बेसिन है। Look.
एंड इधर पीछे एक बैक साइड विंडो टाइप है। हल्की की बारिश स्टार्ट हो गई, आज भी वेदर चेंज हो गया है। ये देखो आप, ये विंडो है, इनका पूरा होटल है, देखो वहाँ पे नाम भी मेंशन है, ठीक है। और ये इनका वॉशरूम, वॉशरूम भी ठीक है। इधर शॉवर, गीजर, गीजर इनका देखो कैसा होता है, अपने यहाँ पे इतने बड़े बड़े गीजर होते हैं, छोटा सा गीजर है ऐसे, यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, जितना आपको हॉट चाहिए वाटर उतना आप कर सकते हो। इधर शैम्पू, ठीक है यार, बुरा नहीं है होटल, अच्छा है। यहाँ पे आई थिंक ड्रायर होगा, देखते हैं एक बार क्या है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये आपका इधर ड्रायर है, अगर आप नहा के आते हो आपको बाल सुखाने हैं तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। छोटा सा एक मिरर है, बस यही है होटल। ये मुझे इन्होंने दिया है 700 बात में दिया है, ऑनलाइन का 720 था रेट, मैंने यहाँ पे आके 700 बात में बुक कर लिया। अब दोनों ऑप्शन है आपके पास में, कैसे बुक कर सकते हो। एक सेकंड में उसमें कैमरा चेंज कर लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो ये होटल इन्होंने मुझको दिया 700 बात में, आप इसको चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन 720 बात रेट है इसका। मैं आपको इसका लिंक स्क्रीन पे भी दे दूंगा, इसमें नाम दे दूंगा और अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, जहाँ से आप इस होटल को बुक कर सकते हैं। इस होटल से सोई काउबॉय स्ट्रीट अराउंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे आप होटल से बाहर निकलते हैं यहाँ पे बाइक वाले बहुत सारे खड़े होते हैं, जो आपको आप उसको बुक कर सकते हैं और सोई काउबॉय स्ट्रीट जा सकते हैं। अदरवाइज ग्रैब यहाँ पे ऐप है, जो कैब वैब आप बुक कर सकते हो उससे, तो ग्रैब कैब से जा सकते हो और वॉक करके जा सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं खुद वॉक करके अभी वहाँ से आया हूँ, तो मैंने फाइनली होटल बुक किया है। अब बस रेस्ट करूंगा आफ्टर 2 आवर्स, फिर मैं यहाँ पर रेडी होके सीधा निकलूंगा सोई काउबॉय स्ट्रीट। वहाँ का व्यू कैसा है, वहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या चीज होती है, क्या क्या स्कैम है, एवरीथिंग जितना मेरे से कवर हो पाएगा मैं आपको स्टूडियो में बताऊंगा। तो बस अभी फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ और थोड़ी देर सोता हूँ, मिलता हूँ आपसे सीधा इवनिंग में, ओके बाय बाय। नाउ गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे बैंकॉक में, तो 7 बजे गूगल बता रहे हैं कि सोई काउबॉय की स्ट्रीट जो है ओपन जाती है, वहाँ पर सब कुछ ओपन जाता है। तो 6 बज रहे, अराउंड 15-20 मिनट वहाँ पहुँचने में लगेंगे, उसके बाद थोड़ा कुछ कुछ खा लूँगा और फिर जो भी होगा वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मिलता हूँ डायरेक्टली आपको सोई काउबॉय स्ट्रीट। सोई काउबॉय के लिए मैंने बाइक कन्फर्म की, बाइक वाला मेरे से मांगा 60 बात अराउंड जाते 130-135 रुपीज़। तो मैंने सोचा क्यों ना मेट्रो चलूँ, क्योंकि सोई काउबॉय के पास में अशोक करके एक वो है मेट्रो, और अभी मैं यहाँ पर सीक्रेट, इसका प्रॉपर नाम नीचे आपको दे दूँगा, आप देख सकते हैं नीचे से। गाइस हम आ चुके हैं सोई काउबॉय, आप देख सकते हैं वो जो है यही है सोई काउबॉय स्ट्रीट। तो मैं जस्ट मेट्रो से बाहर निकला अभी सुकुम्भित से और जस्ट यहाँ पे आया हूँ। अब मुझे रोड क्रॉस करना है, यहाँ के रूल के अकॉर्डिंग हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही यूज़ करनी होती है, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये नहीं, यहाँ से हम रोड क्रॉस करते हैं, जाते हैं, देखते कितना यहाँ पे कैमरा यूज़ करने दिया जाएगा, हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो मैं इससे जा रहा हूँ सोई काउबॉय। अब यह प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अलाउड है या नहीं ये तो नहीं पता, रिकॉर्ड करना देखते वक्त। आप देख सकते हो उसके नियर बाई ये स्टेशन है, जैसे यहाँ से बाहर निकलते हो तो आपको इधर आना पड़ेगा। यहाँ का स्कूटर कैसा होता है यार, कितना हैवी स्कूटर है। स्टार्ट तो हो चुके हैं, स्टार्ट है यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट, अभी प्रॉपर जगह स्टार्ट नहीं हो गया, ये रात को स्टार्ट होगी जब। अभी लाइटिंग वाइटिंग लग चुके हैं यहाँ पर, प्रॉपर इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट होते ही मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ।
नॉर्मल ऐसे जैसे एक दो शॉप्स खुली हुई हैं, ड्रिंक कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। एक पीछे मॉल था जहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना था, तो उसी मॉल में चलते हैं, कुछ लेते हैं। मैं सुकुम्बित मेट्रो उतरा, उसे सॉरी कहा वो स्ट्रीट आया, स्ट्रीट क्रॉस करने पर राइट हुआ मैं। ये देखो स्पेस फॉर रेंट। How much? 89. मैंने एक लिया यार, कुछ बादाम का शेक है, 89 बात का, और पीते हैं और देखते हैं उसका टेस्ट कैसा होगा। मैं आपको बताता हूँ फिर इसके बारे में, बट अच्छा दिख तो रहा है। यहाँ बहुत बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, आप देख सकते हो। मैंने ये वाला लिया, पैक करके दे दिया मुझको। अब अपने रास्ते में चलते चलते पी सकते हो इधर उधर, और पैकिंग इनकी बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ पैकिंग। प्रॉपर पैक करके दिया, साथ में स्ट्रो है। आगे कुछ और नहीं है, बैंक है बस, और नीचे थेरेपी सेशंस है बस। इतना ही था यहाँ पर यार। पी तो रहा हूँ, कुछ अजीब सा टेस्ट है बट लग अच्छा आ रहा है पीने में, मतलब डिफरेंट टेस्ट है। ऐसा टेस्ट मैंने कभी इंडिया में कोई चीज़ ट्राई नहीं की है, कुछ नया टेस्ट है बट अच्छा है। और 89 में बुरा नहीं है, हेल्दी है, क्योंकि आमंड ज़्यादा रखे इसमें, बादाम, दूध, सब कुछ मिक्स है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर स्कूटर चलते हैं, स्कूटर बाइक रेंट पर जो हम लेते हैं, रोड पर जो चलती रहती हैं, उनके प्रॉपर यहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे ना, मैं इस पर बैठा हुआ, एक चेयर पे बैठा हूँ, और ऐसे बहुत सारी चेयर बनी हुई है, तो ये सारे स्टैंड हैं इनके स्कूटर्स के। और यहाँ पे स्कूटर खड़े भी हैं, ये स्कूटर खड़े हैं ऐसे फुटपाथ पे, इन्होंने स्टैंड बना रखे हैं। ये देखो ये पेपर लगा हुआ है यहाँ पे, हर ऐसे स्टैंड पे ऐसे सीटिंग बनी होती है, वैसे पेपर लगा होता है, उस पर इनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, नाम और आगे कुछ अमाउंट लिखा हुआ है कि वहाँ जाने का कितना अमाउंट है, क्या अमाउंट है। तो यहाँ फिक्स अमाउंट है, कोई आप ज़्यादा नहीं मांग सकता। अगर बीच में से आप हायर कर रहे हो तो आपसे एक्स्ट्रा ले सकता है, बट अगर आप स्टैंड से ले रहे हो, साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है, इतना पैसा इतना स्कूटर वाला लेगा, तो ये आपके लिए ईजी है। बट उसके लिए आपको आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं तो आप गूगल लैंग से ट्रांसलेट कर सकते हो लैंग्वेज, वैसे मैं भी कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर मैं एंट्री कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स खड़ी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं यहाँ पे। यार मैंने आपको दिखाया सोई खाओ बॉय थोड़ा सा, अभी ज़्यादा कुछ वहाँ पे हुआ नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि नाना प्लाजा चल जाऊँ, नाना प्लाजा दिखाने के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो रात को फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, क्योंकि अराउंड आफ्टर 10 आफ्टर 11 यहाँ पे ज़्यादा अच्छा क्राउड होता है, ज़्यादा कुछ देखने को होता है। अभी तो स्टार्ट हो रहा है, अभी तो इतना कुछ है नहीं, क्राउड आया नहीं है, अभी लेट नाइट ही आएगा 11:30। अब मैं जा रहा हूँ नाना प्लाजा, नाना प्लाजा पहुँच कर आपको वहाँ का दिखाता हूँ वहाँ का क्या प्रोसीजर है,
क्योंकि वो भी अराउंड सुबह 3 बजे तक खुला रहता है। तो देखते हैं क्या 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 है वहाँ पे भी, ठीक है। तो आगे क्या है, कैसे है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। एक न्यू अपडेट देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं हूँ अभी यहाँ पे अशोक, अशोक से मुझे नेक्स्ट स्टेशन है नाना। तो नाना के लिए मैंने टोकन मशीन में जब टोकन अप्लाई किया तो इधर टोकन भी मिलता है और एक कार्ड भी मिलता है काइंड ऑफ। इससे आप इसमें सबसे मेंशन है सिंगल जर्नी कार्ड, मतलब आप एंट्री करेंगे तो इसको टैप करेंगे और एग्जिट करेंगे तो इसको इंसर्ट कर देंगे अंदर मशीन में, तो ख़त्म हो गया आपका। तो आप इस टाइप का कार्ड भी यहाँ मिलता है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या अप्लाई कर दिया। एक टोकन की तरह ही है, एंट्री के टाइम पर टच, एग्जिट के टाइम पर इंसर्ट, दैट्स इट गाइस। नाना मेट्रो से मैं आया इधर जहाँ पे सामने मॉल है, इसमें भी लिखा है नाना बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ, देख लो। साथ में एक पेट्रोल पम्प है, उसी के साथ में इधर रेड लाइट एंड ये वाली स्ट्रीट अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, और यही स्ट्रीट है और मुझे भी कंफर्म हो गया यही स्ट्रीट है बिकॉज यहीं पे मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी हम आगे वॉक करते जाते हैं और देखते हैं यहाँ का क्या है, पार्टी एरिया एंड ऑल थिंग्स। अब इधर देख सकते हैं पीछे लोग बने हुए सारे बार गर्ल्स एवरीथिंग इन हियर। ये है नाना प्लाजा स्ट्रीट, कैमरा जाना अलाउड नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज अलाउड। तो वहाँ पे मैं जाऊँगा नहीं, कोशिश करूँगा कैमरा लेके जाने दें, तो ट्राई करेंगे। ये पूरी वॉकिंग स्ट्रीट है, गर्ल्स यहाँ पे एक दूसरे का वेट कर रही हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ यहीं पे। फाइनली आई थिंक दिस वन इज लास्ट लुक हियर, बस इतना ही है यहाँ पे इनफ। आगे पे सारे मसाज सेंटर्स ओपन है, मसाज सेंटर्स को अगर मसाज करवाने को जा सकता है। हेलो गाइस, मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। वो अंदर जहाँ मेन एडल्ट लाइफ थी वहाँ तो कैमरा लेके जाना मना ही था, बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं था, वहाँ सबको लिखा हुआ था। और जिसके अगर हाथ में वो दिख रहा था फ़ोन वीडियो बनाते हुए, उसका फ़ोन वो छीन रहे थे। तो अंदर तो वीडियो बना नहीं पाया, पर मैं बाहर का कुछ भी आपको दिखा पाया हूँ और आप देख भी पाए होंगे थोड़ा बहुत, जितना पॉसिबल होता दिखा दिया गाइस। बाकी सब कुछ मैं आपको अपने होटल पहुँच कर जाता हूँ, यहाँ पर बस अभी इतना ही। अभी फाइनली मैंने एक देखा है यहाँ पर मैकडोनल्ड, वहाँ पर मैं कुछ खाऊँगा, उसके बाद मैं होटल जाके फिर आपको सारा कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा मैकडोनल्ड में। बटर नान, बटर चिकन, अरे मैं खाता हूँ, बताता हूँ आपको उसका टेस्ट कैसा था। गाइस खाना हो गया मेरा, अब मैं चला सोई काउबॉय स्ट्रीट। रात हो गई है तो क्या पता वहाँ ज़्यादा अच्छा स्पेस अब बन गया हो पार्टी का। तो सेम वही मेट्रो लूँगा, मेट्रो से उतरूँगा अशोक, उसके बाद में सीधा सोई काउबॉय। अभी एक इंडियन भाई मिल गया था रेस्टोरेंट में, तो उसने थोड़ा गाइड किया, वो घूम के आया है 2-3 जगह पर, तो उसने बताया कैसे क्या करना है। कोशिश रहेगी ट्रेवल एजेंट से बात की, बहुत कॉस्टली है। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह मॉर्निंग में एक बार यहाँ गवर्नमेंट बस स्टॉप जाओ, वहाँ से देखो बस मिलती है या नहीं मिलती। अगर वहाँ से बस मिली तो पक्का मैं जाऊँगा। अभी मेरा प्लान जो है नेक्स्ट वो है फीफी आइलैंड, तो जैसा भी होगा अगर मेरा बना तो फीफी आइलैंड जरूर आपको दिखाऊँगा। अदरवाइज़ फिर छोटे मोटे और चीज़ें कवर करेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा। यार जस्ट मैं भी अपने होटल पहुँच चुका हूँ और मुझे ये एक छोटी सी बिल्ली मिली है मेरे होटल में ही, बड़ी क्यूट सी है, देखो कैसे प्यार कर रही है। इसको देखते मुझे अपने डॉग की याद आ गई। मैं बीच में वीडियो नहीं बनाई, मैं सीधा होटल आ गया अपने। बता तो वहाँ पे मेरे साथ में एक दुर्घटना घटित हो गई, मतलब बता तो क्या हुआ यार। फाइनली मैं अपने होटल आ चुका हूँ, मेरे साथ में क्या दुर्घटना घट गई बताता हूँ मैं आपको। मैं पहुँचा सोई काउबॉय, जाते ही मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था बैक कैमरे से,
तो मैंने सोचा आते हुए एक फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर लूँगा, गली क्रॉस हो जाएगी और मैं बाहर निकल जाऊँगा, वहाँ से कैब बुक करूँगा, सीधा चल जाऊँगा अपने रूम पर आ जाऊँगा। जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, आते हुए वहाँ पे आगे वाले बार पर दो तीन लड़कियाँ बाहर आ गई, वो कह रही यू डोंट रिकॉर्ड दिस वीडियो। मैं बोला ठीक है, मैं डिलीट कर दो उस वीडियो को। तो बोली नहीं, आपको 10,000 बात पे करना पड़ेगा, ये फाइन है आपका। मैं बोला क्यों, मैंने अभी जो रिकॉर्ड किया वीडियो वो मैं डिलीट कर देता हूँ, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसको मैं क्लोज वीडियो बंद करके डिलीट कर देता हूँ। तो दो तीन मिनट बहस करने के बाद में उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप वीडियो डिलीट कर दो। तो भाई मैंने वीडियो डिलीट कर दी आते हुए की, तो कह रहे नहीं अभी हमने आपको देखा था, आप जा भी रहे थे, तो जाने की वीडियो भी डिलीट कर दो। अब भाई जाने की वीडियो डिलीट कर दी मैंने, तो अब मुझे लगा डिलीट कर दी पर रिसेंट डिलीट में रहेंगी वीडियोस। तो उसने बोला कि नहीं, रिसेंट डिलीट में वीडियोस होती हैं, वहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी। भाई रिसेंट डिलीट से उन्होंने वीडियो डिलीट करवा दी, वो तो मेरे फ़ोन की सारी वीडियो डिलीट करी थी अभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जितनी मैंने अभी तक बैंकॉक में रिकॉर्ड किया। तो मैं बोला आप सिर्फ यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड जो करिए वो डिलीट कर सकते हो, सारी वीडियो नहीं डिलीट कर सकते। तो फाइनली वो मानी, 10,000 था ये बात, फाइन है फाइन है फाइन है ऐसे करके बोल रही थी, वीडियो डिलीट करी और वहाँ से मैं निकला। फाइनली आ गया अपने होटल, तो जितना सोई का वो का मैं आपको दिखा चुका था पहले, तो उतना ही मेरे पास अब कंटेंट बचा है, बाकी सारा उन्होंने दो वीडियोस मेरी राइट नाउ जब मैं जा रहा था डिलीट करवा दी। तो जितना पॉसिबल होगा उतना आपको बता सकूंगा। हाँ, नाना प्लाजा में गया, नाना प्लाजा में बहुत कुछ रिकॉर्ड कर पाया और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मैं गेन कर पाया, तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। नाना प्लाजा कुछ सीन ऐसा था यार कि नाना प्लाजा में एंट्री की ना तो राइट लेफ्ट हर जगह लेडी बॉय गर्ल्स लेडी हर जगह ऐसी ऐसी लड़के खड़ी हुई थी जो सिर्फ इतना बोल रही थी, बात करने की बुलाती, हेलो बोल रही थी, अगर आपने उनको हेलो बोला तो आपसे पूछने लगेगी कि कहाँ लेके जाना है, मेरे पास होटल है मेरे होटल में चलो, आपके पास होटल अपने होटल में ले चलो। अगर उनका मैंने किसी को वहाँ बात करते सुना कि किसी ने बोला कि मेरे पास मेरा होटल है, तो उसने बोला 600 baht 700 baht, तो एक बंदा बोलता है कि नहीं हमारे पास तो होटल है ही नहीं, तो उसने बोला आप मुझे 1100 baht पे करना तो मैं आपको अपने होटल ले चलती हूँ। उनका होटल भी उसी नाना प्लाजा वाली लाइन में बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, ऑलमोस्ट वहाँ पे 500 से ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ पे थी जो कि यही काम कर रही थी, और आप जाए कर सकते हो यार, बुरी बात नहीं है, वो अगर ये काम कर रही हैं, सबका अपने कमाने का अलग अलग तरीका होता है, तो वो इस तरीके से काम कर रही हैं, वो आपका है कि आपको यहाँ पे करना है कुछ काम या नहीं करना है, यहाँ पे आपको उनसे बात करनी है, उनके साथ जाना है जाना। मेरा काम था एक्सप्लोर करना, आपको सारी चीज़ बताना, तो मैंने आपको वो किया। उसके बाद में मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि जॉब पे जाना अलाउड नहीं था कैमरे को लेकर, सिर्फ विजिटर जा सकते हैं बट कैमरा अलाउड नहीं था अंदर। तो भाई वहाँ तो बहुत ही बेकार काम हो रहा था, आतंक मचा रखा था वहाँ। तो मैंने एंट्री करी मैं ऊपर 1, 2, 3 फ्लोर बने हुए थे, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, तीनों फ्लोर में बार बने हुए थे। आप चाहो तो 90 baht 85 baht 100 baht की बियर ले लो और वहाँ बैठ के, वो सामने पोल डांस चल रहा होता है, पोल पे लड़के डांस कर रही होती है, आप बैठ कर डांस देख सकते हो। अगर उन पोल वाले डांसर में से आप वही डांसर पसंद आती लड़की, तो आप उनको चूज करके उंगली दिखा के बुला सकते हो, आपको बैठेगी और आपको बोलेगी कि मेरे लिए कोई ड्रिंक मंगाओ। लेडी ड्रिंक का रेट 200 था, बाकी वो आपकी जेब के ऊपर है, आप कितना उनको कितनी महंगी ड्रिंक पिलाते हो या फिर आपके नशे के ऊपर है, कितना आपको नशा चढ़ जाए और आप उनको एक्स्ट्रा अपनी जेब से पे कर दो, तो उस टाइम पे केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वो ट्राई करते हैं ज़्यादा ज़्यादा पियो, आप पियोगे आपका दिमाग घूमेगा, आप ज़्यादा पैसे खर्च करोगे। और लेडी ड्रिंक में कुछ नहीं होता, मैंने देखा उस बंदे ने छोटे से गिलास में, इतने छोटे से गिलास में पानी और नींबू डाला था और बस लेडी ड्रिंक के नाम पे दे दिया। अब जो 200 बात उस बंदे ने उस लड़की के नाम के पे करे, उसमें से उस लड़की कमीशन कितनी थी और उस बंदे की कमीशन बार वाले कितनी थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट यही होता है। उसमें ड्रिंक थी 4,000-4,000 baht 5,000-5,000 baht, मतलब 5,000 baht का मतलब हो गया 11,000-11,500 रुपये की ड्रिंक थी, और बहुत लोग वहाँ पे उनको लड़कियों को ऑफर भी कर रहे थे। फिर एक बार में तो मैंने देखा कि अट्रैक्शन, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पास वो पोल पर लड़के डांस कर रही थी ना, उन्होंने कपड़े ही नहीं पहन रखे थे, ना ऊपर कुछ पहन रखा था नीचे कुछ पहन रखा था, बिल्कुल बिना कपड़ों के वहाँ पर डांस कर रही थी कि लोग अट्रैक्ट हो, अंदर आके बैठ के बियर पिए और वो बिना कपड़े के लड़के को देख कर अपने पास बुलाए। तो नाना प्लाजा का ये था, अगर आप नाना प्लाजा आना चाहते हो या बैंकॉक आते हो और आप एडल्ट लाइफ को, मतलब एडल्ट लाइफ देखना चाहते हो, एडल्ट लाइफ जीना चाहते हो, तो आपके लिए है ऑप्शन, नाना प्लाजा आप आ सकते हो, बार में बैठ सकते हो, लॉन्च में बैठ सकते हो, नीचे से पूरा जो गली दिखाई थी मैंने आपको वीडियो में दिखाई भी है, उस गली में आप
लड़कियाँ चूज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अपने होटल या किसी होटल में लेके जा सकते हो। तो ये मेरा ओपिनियन था, मेरा अभी वहाँ का रिव्यू था जो मैंने सर्च किया, मैं आपको बता सका। अब फाइनली बस मैं अब लेटता हूँ, सुबह उठूंगा, सुबह प्लान कर रहा हूँ फिफ्टी आइलैंड जाने का। अभी बैठकर थोड़ा सा रिसर्च करूंगा इसके रिगार्डिंग कि कितने बजे की बस है, कैसे जाएगी, कितने बात की है, क्या है, बजट में आता है नहीं आता, सब कुछ आपको बताऊंगा सुबह मॉर्निंग। तो अभी फाइनली इस वीडियो को बंद करते हैं और मैं सर्च करता हूँ, सोता हूँ। थैंक यू। खाने का बताना मैं भूल गया था वीडियो के अंदर, उस टाइम पर मैंने वहाँ पे 300 का बटर चिकन लिया था और कितना 20 बात का मैंने वहाँ पे एक वो लिया था नान, बटर नान। तो टोटल मैंने 3 नान लिए, बटर नान और एक फुल मेरा बटर चिकन था, जो मेरा पड़ा टोटल 360 बात का। तो अराउंड इसको अगर हम कैलकुलेट करें 360 × 660 720 750 के अराउंड मैंने वहाँ पे पे किया उनको इंडियन करेंसी में, 750 के अराउंड इंडियन करेंसी में इंडियन रेस्टोरेंट में। वहाँ सस्ता खाना भी था बट मैंने बहुत दिन से नहीं खाया था इसलिए मेरा मन करता मैंने बटर चिकन 3 बटर नान लिए थे। बाकी आपने अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हो, 250, 200, 300 की चिकन बिरयानी भी थी, 300 बात, 200, 250, 300 बात। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग वहाँ से ले सकते हो और खा सकते हो। मैंने वहाँ से 300 का बटर चिकन और 20 का बटर नान लिए थे, 3 लिए थे, टोटल बिल था 360 बात। तो ये आपको बताना था उस होटल के बारे में। बाकी फूड बहुत अच्छा था, टेस्ट बड़ा अच्छा था उनका, सेम ऐसा लगा जैसे मैं इंडिया में बैठ के खा रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं लगा कि बाहर की कंट्री में हूँ। गाने पूरे अपने हिंदी वाले चल रहे थे, अपने इंडियन गाने चल रहे थे, सारे इंडियन गाने चल रहे थे, तो पूरा ऐसा फील नहीं हुआ कि बाहर हूँ, ऐसे ही लगा था कि मैं इंडिया में बैठा हूँ। टेस्ट अच्छा था, उनके कुक भी बड़े अच्छे थे और रेस्टोरेंट किसी सरदार का था जो बचपन से ही बाय बर्थ यहाँ पे रह रहा है, तो उसने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, उससे मेरी बात हुई थोड़ी बहुत। तो वो सरदार था बट उसने पगड़ी अपनी कटवा दी थी, तो यहीं पे बचपन से रह रहा है बाय बर्थ वो। तो आप उस रेस्टोरेंट में खा सकते हो, वहाँ के स्टाफ बड़ा अच्छा है, बात करने में सारा अच्छे से बात की, सबने अच्छे से एक्सप्लेन किया एवरीथिंग मुझे। तो बस यही था होटल का रिव्यू, अगर आप चाहो तो वहाँ खा सकते हो। होटल का मेन्यू मैंने आपको दिखा रखा है, आप वहाँ से देख कर अपने अकॉर्डिंग वहाँ से सर्च कर सकते हो। थैंक यू।